कूल कूल, इट्स ओके इट्स ओके। बोलो ना। ओए, इसके माँ बाप ने इसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी है यार। टाइगर आकर सब देख लेगा। मेरे मम्मी पापा शादी के लिए तैयार नहीं है जी। टाइगर आकर सब देख लेगा ना। ओए, डर लग रहा है भाई। टाइगर आकर सब देख लेगा। बिल सर। टाइगर आकर देख लेगा बोला ना। कब आएगा तेरा टाइगर? वो देखो। प्यार एक माया है। आई लव यू। प्यार माया नहीं, कुआं है, दोनों डूब कर मरोगे। टाइगर ये कोई ब्रांड नेम नहीं, सिर्फ नाम है, बस फ्रेंडशिप इसकी वीकनेस है। हेलो जी, ये लड़की मेरी है। तुम ना इसे भूल जाओ। मान लेते हैं तुम्हारे पापा ने जिसे पसंद किया वो लड़का क्या करता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। टेम्पररी जॉब है क्या? नहीं, गवर्नमेंट जॉब है। सैलरी 75K। के मतलब किलो ना? नहीं, 75,000 सैलरी है। ओ, और तुझे? वो क्या ना कि मैं अभी वही यार जॉब ढूंढ रहा है। तू सच बता? वो क्या है ना, किसी ने मुझे जॉब दिया ही नहीं। और तुम्हारी फैमिली? वो क्या है कि वो ये ना झगड़ा करके घर छोड़ के आया। वो बंद कर, चल तू बोल। मैं अपनी मम्मी पापा से झगड़ा करके आया हूँ। इसका मतलब तुमने मुझसे भी झूठ बोला था। इसलिए बोला था कि तुम मुझे छोड़ना दो। ठीक है, तुम्हारे पापा ने जो लड़का देखा है उसकी फैमिली है? बहुत बड़ी फैमिली है। तू ये शादी करना कैसे चाहता है? क्या है ना, हम सबको छोड़कर चुपचाप मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे और हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। फिर हमारे बच्चे होंगे, उनकी शादी होगी, फिर मैं दादा बनूंगा। बस बस, देखा ना बहन, इसकी बातों में सिर्फ मेहनत है, इसके साथ फ्यूचर बकवास है। क्या कहा? शादी मतलब फैमिली बढ़नी चाहिए, जो है उसे भी खो देना नहीं होता। मैं फैमिली बढ़ाने की तो बात कर रहा था, ये टाइगर क्या बोल रहा है? बात करता हूँ ना। ये देखो, प्यार अंधा होता है, सिर्फ अंधा ही नहीं, बहरा लूला लंगड़ा भी होता है। कहो तो सुनाई नहीं देता, रोको तो रुकता नहीं है, ऐसे लोगों पर ही भरोसा करते हैं। नहीं 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 नहीं, मतलब मेरे मम्मी पापा, वो क्या है ना, भगवान की सृष्टि में और मेरी दृष्टि में मम्मी पापा बेस्ट कैरेक्टर्स होते हैं। वो गॉड है तो ये गधा है। दूर करो तो करीब होते हैं, करीब रखो तो खुश होते हैं, दुखी करो तो भी आशीर्वाद देते हैं। बस माँ बाप का अच्छी तरह से ख्याल रख लो, मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें छोड़कर इसके साथ चली जाओगी। अब तुम खुद ही फैसला कर लो, गॉड या फिर ये गधा। अरे रुको रुको, तुमने कहा था टाइगर सब अच्छा कर देगा, यही अच्छा होता है क्या? अरे रुकना यार, अरे ऐसे क्यों भगा दिया तूने? ए मुंह बंद कर। हमेशा मम्मी पापा ही ग्रेट होते हैं। गरीब को पैसों की वैल्यू, भूखे को खाने की वैल्यू अच्छी तरह मालूम होती है। मैं अनाथ हूँ इसलिए माँ बाप क्या होते हैं मैं जानता हूँ। वैसे भी माँ बाप की मर्जी के बिना कोई शादी सक्सेस नहीं हो सकती। तुम उनकी हेल्प करोगे सोचा था, तुमने तो काम ही बिगाड़ दिया। बैठो। फोन पे फ्रेंड्स को इतनी किस देती हो? मैंने तो बस एक ही किस मांगी। प्लीज जाने दो मुझे। शर्मा रही हो तुम? प्लीज मुझे जाने दो। देखो टाइगर, अपना मोबाइल समझकर मुझे किस दे दो। टाइगर तुम कुछ नहीं करोगे? बोला ना, देख कहा ना। अरे टाइगर देख, देख। अरे प्लीज यार मेरी बात तो सुन। सारे गधे हैं, एक लड़की को एक कमीना पब्लिक में रुला रहा है और तुम लोग क्रिकेट विकेट के फालतू डिस्कशन कर रहे हो। तुम्हारे खेल को इनकरेज करने के लिए चीयर गर्ल्स चाहिए, लेकिन एक लड़की को एक कमीना पब्लिक में छेड़ रहा है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? भाई एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ना इनसे, तुम अपना काम करो ना। सारे के सारे गधे हैं। अरे बापरे बापरे बापरे, क्या बॉडी बनाई है, ट्राइसेप्स करते हो? हाँ भाई। रोज जिम जाते हो? हाँ, रोज 5 से 9 जिम में रहता हूँ। ये कट्स बॉडी पर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते हैं, सिचुएशन की डिमांड देकर कभी इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए। एक कमीना पब्लिक में लड़की को रुला रहा है तो उससे ये बॉडी ना मार सके तो इसका कोई फायदा है क्या? बताना, कोई फायदा है क्या? कौन झिंगुर लड़की को परेशान कर रहा है? टांगे तोड़ दूंगा। ओए, अबे चिरकुट तू कैसे बीच में टपक पड़ा? लड़की को परेशान कर रहा है ना, तो इतनी देर से क्या कर रहा था? हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ झगड़ा होने वाला है। ए, अभी तेरा बहुत नाटक हो चुका। अरे तू क्यों परेशान हो रहा है? तू तो अपने कैरेक्टर में एकदम परफेक्ट है। तू कमीना है, तुझे कमीने वाले ही काम करने हैं। मेरी परेशानी तो इनके साथ है, ये लोग खुद को शरीफ बताकर बैठे रहते हैं, मुझे तो इनकी शराफत को जगाना होगा ना। वो लोग शरीफ है तो तू कौन है? मैं तो बहुत ज्यादा शरीफ हूँ, इसलिए कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। मैं कौन हूँ पता है? मेरा बाप कौन है जानता है?
मुझे मेरे माँ बाप कौन है वो पता नहीं है, तो तेरे बाप का पता मैं क्यों पूछूंगा? बोले तेरी जगह तेरा बाप आकर सॉरी बोलेगा क्या? सॉरी सिस्टर। गुड बॉय। बिल भरा क्या? इस डैमेज का भी मिलाकर भर देना, या फिर अपने बाप को आकर भरने को बोल। ओके ना। शरीफों को अरेस्ट करने के लिए क्या टाइमिंग मेंटेन करते हो सर? अरे बाप रे, ये कहां से आ गए? निकल लो यहां से। ए गुरुजी, इधर आ। आज तो गया काम से। क्या हुआ गुरुजी, पुलिस स्टेशन की तरफ चले आए? कोई प्रॉब्लम है क्या? हो तो बोल दो, कमिश्नर अपना ही बंदा है। पुलिस स्टेशन और मैं? ए बचपन में मेरे ऊपर शुशु करके तू बहुत लोगों में हल्ला मचाता था ना, क्यों अपनी होशियारी दिखा रहा है? चल बैठ पीछे। गुरुजी बैठ बैठ, बोला ना बैठ। उस उम्र में गलती से कर दिया था गुरुजी, उसके लिए आज भी कान पकड़ कर मरोड़ रहे हो। आज मेरा मूड नहीं है गुरुजी। तुम्हें हर बार याद दिलानी पड़ती है, आज तुम्हारा जन्मदिन है। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, आश्रम में रहने वाले सभी का आज जन्मदिन है। अरे बाप रे, सच में? हैप्पी बर्थडे टू मी। गर्मी लग रही है, अब जल्दी चलिए गुरुजी। विष्णु से बात की तूने? चलिए ना गुरुजी। विष्णु से बात की या नहीं? गुरुजी परेशान मत कीजिए ना, चलिए। क्या हुआ है तुझे, कुछ झगड़ा हुआ है क्या? आप आ रहे हो या मैं चला जाऊं? तुम दोनों के बीच में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है। फोन दे, 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 बात कर। मैं क्यों करूं गुरुजी उसे? वो जब चाहता ही नहीं है तो मैं उसके पीछे क्यों पड़ूं? उसने जिस दिन ये कहा कि वो मेरे बिना खुश है तो मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे बात नहीं करनी है। आप मुझे बहुत पसंद हो गुरुजी, आगे से उसकी बात कभी मत करना। इन्हें तुरंत टाइगर का फोन नंबर बताना होगा। नहीं। डॉक्टर, पेशेंट कुछ कह रहा है, अभी इसने नाइन कहा। नो टाइम टू वेट डॉक्टर, इन्हें तुरंत इंजेक्शन लगा दो। ओके सर। जीरो। जीरो कहा डॉक्टर? डोंट डिले, स्टार्ट द प्रोसीजर इमीडिएटली। वेट डॉक्टर, ये कौन है इन्हें कोई नहीं जानता, क्या पता है अपने पहचान वाले का नंबर बता रहा हो। सर इसका बीपी लो हो रहा है। गिव मी पेपर एंड पेन। कम ऑन, 90 3 3 नेक्स्ट। आगे बोलिए, 903 नेक्स्ट। डॉक्टर प्लीज अंडरस्टैंड, इसका हार्ट रेट गिरता जा रहा है। 2 नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आगे बोलिए नेक्स्ट। अब रहने दीजिए, ही इज गोइंग अनकॉन्शियस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कम ऑन ट्राई, 9032। तुम इंजेक्शन दो। 1 मिनट प्लीज। 3 कम ऑन। डॉक्टर कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल, वेट वी विल लूज हिम। 2 बीपी इज फॉलिंग फास्टली, इमीडिएटली काम शुरू करना होगा। 4 मोर नंबर्स, कम ऑन ट्राई। 3 कम ऑन। डॉक्टर प्लीज वी आर लूजिंग हिम। सर हार्ट रेट इज बिलो 40 पर मिनट सर। कम ऑन। 6 व्हाट नेक्स्ट? कम ऑन बोलो। ही इज गोइंग अनकॉन्शियस, चेक द रीडिंग्स। सर बीपी एंड पल्स इज फॉलिंग डाउन सर। इंजेक्शन इमीडिएटली। 8 नंबर बता दिया सर, और 2 नंबर बता देता तो काम हो जाता। टू जीरो। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो आएगा मेरे लिए, मेरा टाइगर आएगा मेरे लिए। कैसा दोस्त है रे तू, लेकिन तू अनाथ का अनाथ ही रहेगा। तू मुझे नहीं चाहिए, ना तेरी फ्रेंडशिप चाहिए। Darling seems unavailable to take calls right now. Sir, इस नंबर पे ट्राई करते रहे। ओके ओके। नए फोन में पहला कॉल आया। हेलो हेलो, मैं काशी से बोल रहा हूँ, आपका आदमी? अबे रॉन्ग नंबर है, फोन रख। कौन था? तेरा रिश्तेदार था काशी से, जाएगा? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है वहाँ।
प्रिंस ने फिर से फोन किया है। इसे अपनी स्टाइल में दो चार सुना दे, शांत हो जाएगा। ऐसा बोलता है क्या? हेलो सुनो, मैं काशी से। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रॉन्ग नंबर मैंने कहा ना। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो भले ही तू कहीं भी छुपा हो तुझे ढूंढ कर गालियां सुनाऊंगा, समझा? चल फोन रख अभी, चल रख। मनोज जी, ओए इसने तो फिर से फोन किया। ये पता नहीं फोन किसने इजाद किया, उसका पता ढूंढकर उसे ठोक देना चाहिए। अभी सुनाता हूँ देखना। हेलो हेलो, मेरा नाम मनोज है। अबे अबे, तेरी माँ का, तेरे बाप का, तेरे भाई का, तेरी बहन का, कैसा लगा बे? अरे बाप रे, तूने इतनी गालियाँ कहाँ से सीखी? जब भी मुझे गुस्सा आता है तो ऐसी गालियाँ निकली जाती है। अबे तुझे आखिर चाहिए क्या? क्यों दिमाग की दही कर रहा है? Will you stop the vehicle and listen to me first? इसने तो इंग्लिश में बात करके दिमाग खराब कर दिया। तू गाड़ी साइड में लगा, तू पहले अपना एड्रेस बता। चल बता बता। You tell I come. Shut up and listen to me. Sorry, मैं गुस्से में आ गया। वो तुम्हारा फ्रेंड है, रिलेटिव पता नहीं, उसका मेजर एक्सीडेंट हुआ है, क्रिटिकल कंडीशन में, उसने मुझे नंबर दिया। अरे काशी में मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे सारे दोस्त दिल्ली, बॉम्बे और हैदराबाद में रहते हैं। नो पहले आप मेरी बात सुनिए। उसकी हाइट 5'10", हिज फेयर, दाहिने भौं पर कटने का निशान है, छाती पर तिल भी है। हाँ, 10th क्लास की मार्कशीट भी बता। मोल इन द चेस्ट, मोल इन द हैंड, उससे क्या होगा? नो 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 नो, अ कट ऑन हिज राइट आईब्रो और छाती पर एक तिल। अबे खराब टेप रिकॉर्डर की तरह कितनी बार स्कार आईब्रो, स्कार इन द आईब्रो रखता रहेगा। क्या कहा सर? उसकी राइट आईब्रो पर चोट का निशान है। क्या हुआ मेरे विष्णु को? विष्णु? मेरे विष्णु को क्या हुआ है सर? वो लड़का कैसा है? जान का खतरा तो टल गया है, लेकिन अभी भी आईसीयू में रखा है। हेलो भैया जी, कौन हो तुम लोग? बोलो कौन हो तुम लोग? किसने भेजा है तुमको? शुक्ला, मार दिया उसको। तू क्या मारेगा बे? ये काशी भले ही तेरा होगा, लेकिन यहाँ पर टाइगर घात लगाए बैठा है। कौन है तू? दोस्त हूँ उसका। एए! किसी से दुश्मनी करने से पहले सिर्फ उसके बारे में जानना ही काफी नहीं होता। उसका कोई दोस्त है क्या, और वो कैसा है, क्या करता है, ये सब भी जानना जरूरी है।
तेरी गुंडागर्दी अब और ज्यादा चलने वाली नहीं है। अब तक तूने काशी के घाट पर मुर्दों को देखा होगा, लेकिन मारने वाले इंसान को कभी नहीं देखा होगा। मुझ पर अगर कोई शक है तो ये बात तू अपने आदमियों से पूछ ले, वो लोग समझा देंगे। कैसे थैंक्स बोलूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। थैंक्स किस लिए? नहीं सर, इस जमाने में इतना कोई सगा भी नहीं करता है। ऐसे में मेरा दोस्त कौन है क्या है ये जाने बिना, ऊपर से इतने सारे पैसे खर्च करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है सर। इसमें एहसान की क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है और मैं भी तो इंसान हूं। टेक केयर आफी। देखो बेटा, उनका सामना करके शहर से कोई वापस नहीं गया, तुम उनके बारे में नहीं जानते हो। रात को 3-4 लोग थे तो तुमने संभाल लिया, अब 10-12 लोग आएंगे तो क्या करोगे? 10 लोग नहीं चाचा, 18 लोग आएंगे। नहीं, आ चुके हैं। आ गए हैं? कहाँ पर? इस तरफ। एक आदमी ने जिस पैर पर पट्टी बंधवाई है वो उसी पर लंगड़ा कर चल रहा है, वो है और उसके साथ 3 लोग। और इस तरफ वो जिस काम से आया है उसे पूरी तरह से भूल कर अटखेलिया कर रहा है, देखो वो और उसके साथ 4 लोग। तो बहुत अच्छी हो, ये सब मेरे लिए लाई। बाप रे। हमारे सामने व्हील चेयर पर बिल्कुल आराम से पैर पर पैर रखकर एक मोटा सा आदमी आ रहा है, वहां और उसके पीछे आ रहे 5 लोग। बाप रे। और फाइनली आपके पीछे एक हाथ में एक्सरे पकड़कर ब्लड टेस्ट रूम के पास बैठा है ना, वो है और उसके साथ 4 लोग। टोटल 18 लोग हैं। तुम डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। हाँ। बस इतनी हिम्मत काफी है चाचा। अब तक ये विष्णु से खेल रहे थे, अब मैं इनके साथ खेलूंगा। हाँ। और खिलवाऊंगा। इसमें मजे की बात यह है कि इनमें से किसी को भी पता नहीं कि मैं टाइगर हूं। हाँ। मामा, विष्णु को हम कभी भी मार सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें उस टाइगर को मारना होगा। हाँ ठीक है मामा। ए, कहाँ गए थे तुम लोग? जब तक मैं ना बोलूं कोई अटैक नहीं करेगा, ओके? अब जाओ। ठीक है। इस ऑपरेशन का यही मेन बोर्ड है, जब तक ये ना फोन करे वो अटैक नहीं करेंगे, पहले इसका फ्यूज उड़ाना होगा। हाँ। चिंता मत करो, सब ठीक कर दूंगा। पार्किंग यहाँ पर नहीं है, वहाँ है कार, वहाँ लेकर जाओ। देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस रुकती है, आप आइए यहाँ से। हमारा काम हो गया है। स्विच बंद हो चुका है बेटा, अब अपना काम शुरू करो। हेलो 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 भाई, उसे टपका दूं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बाबा। ए रुको। हेलो, मेरी बात सुन। हाँ। मैं तुझे अभी 3 नंबर मैसेज कर रहा हूँ, तू क्या करेगा कैसे करेगा मुझे नहीं पता। अगले 1 घंटे तक ये 3 नंबर बिजी होने चाहिए, कॉल कट नहीं होना चाहिए। ओके डन, मैं देख लूंगा। हम लोग भी देख लेंगे। शुरू हो जाओ। हेलो हेलो डार्लिंग। हेलो, मैं हूँ, पहचाना नहीं क्या? ए फॉर पद्मा ना, एक्स फॉर नो, ए सी फॉर सरोजा ना, एल फॉर रॉन्ग, तो नर्स नीलिमा। नीलिमा तो फिर कौन हो तुम? मैं हूँ तुम्हारे बचपन की लवर। बचपन की? गन्ने के खेत में हम दोनों। ए जमुना भाई, कैसे हो तुम? अभी क्या कर रही हो? नाइटी में हूँ। अरे डे टाइम है ना, गर्मी है ना। हाँ वो भी बात सही है। हेलो,
हेलो, कौन है? मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? तू अमिताभ बच्चन है, इसकी क्या गारंटी है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है शहंशाह, अब ठीक है ना? अरे वाह, तू अमिताभ बच्चन है? मैं अभिषेक बच्चन बोल रहा हूँ, कैसा है तू? हेलो, मुबारक हो सर, आपको बेटा हुआ है। बेटा? लेकिन मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई। अबे भुतनी के सुन, बेटे के लिए शादी की जरूरत नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें बेटा हुआ है। मुझे बेटा हुआ है? कहाँ? बैंकॉक में। बैंकॉक? बैंकॉक की कोई लड़की मिली ही नहीं, भूल गए वो चिकनी लड़की। पॉइंट है, पता नहीं कहाँ चला गया भाई, थोड़ा पीछे हटना। टाइगर जी, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। ये टाइगर है क्या? चलो पकड़ो, पकड़ो, चलो पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो उसे। रुक रुक, अरे अरे वाह, 18 लोगों में से 4 लोगों को बंद कर दिया। ए जमुना भाई, मैंने तुम्हारे लिए लेडीज टॉयलेट में दो कविताएं लिखी थी, याद है ना? कमीना, कहीं का अभी तक कविता को नहीं भूला तू? ए, कविता नहीं, कविता लिखने वाली। कविता? अच्छा सुनाओ। जमुना भाई, जमुना भाई, मैं हूँ तेरा कौवा, तेरा साबुन है लाइफ बॉय। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय। रुको रुको, मैं सुन रही हूँ, सुन रही हूँ, सुन रही हूँ। मैं दूसरी कविता सुनाता हूँ। ठीक है बोलो। तू तो मुंबई में रहता है ना? मैं काशी में हूँ। मैं भी वही कह रहा हूँ, तुम्हारे दोस्त काशी विश्वनाथ मेरे सामने बैठे हुए हैं। उसे फोन दे जरा, तेरे सामने कैसे बैठा है, उसे खड़े होने के लिए बोलता हूँ। आपके बोलने से भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो हॉट सीट पर बैठा हुआ है। पर क्यों? अभी तक आपका फ्रेंड 50 लाख जीत चुका है, अगर आखिरी सवाल का भी सही जवाब दे देंगे तो 1 करोड़ आपका दोस्त जीत जाएगा। ओ, 1 करोड़? बोलिए सर। हेलो हेलो भाई, मैं बोल रहा हूँ, मर्दों के पास 1 होता है, औरतों के पास 2 होता है, ऐसा क्या है? वो पहला मोबाइल फोन, दूसरा घर का नाम, तीसरा चप्पल, चौथा कार, जल्दी बताना भाई, 1 करोड़ हाथ से निकल जाएगा। बोलना भाई, मैं 1 करोड़ हार रहा हूँ, बोलना भाई, बोलना। चौथा कार। ये गलत जवाब, अब तुम्हारा दोस्त 1 करोड़ हार चुका है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? वो ये, हाँ वो इसे। अरे वाह, 8 लोगों को और अंदर कर दिया। तुम जल्दी बैंकॉक आ जाओ। बैंकॉक कैसे आऊँ, मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। अच्छा, तो आधार कार्ड है? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। छी, तो फिर तेरे पास है क्या? चाकू है। तो फिर जल्दी से पुलिस स्टेशन चला जा। इसलिए? वहाँ जाकर बोलना मुझे अर्जेंट बैंकॉक जाना है। वो लोग क्या करेंगे? पासपोर्ट देंगे, फिर तुम बैंकॉक आ जाना। पुलिस पासपोर्ट देगी मुझे? और कितने सवाल करोगे, यहाँ तुम्हारा बेटा पापा पापा कहकर रोते जा रहा है। इतनी जल्दी मेरा बेटा कैसे बोल सकता है? सिर्फ बोलता ही नहीं, वो गाने भी गा रहा है। हा? क्या का गाना? आप चाहो तो सुन लो। पापा जल्दी आ जाओ, मेरे पापा। मेरा बेटा, बेटा मेरा कन्हैया, चुप हो जा। सुना तुमने, तुम्हारा बेटा कितना याद कर रहा है तुम्हें? एक बार मैं अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ। अरे वो क्या है ना, अभी तुम्हारा बेटा स्कूल पढ़ने चला गया है, जैसे ही आता है मैं आपकी बात करा दूंगा। मैं लाइन पर ही रहूंगा। टाइगर जी, आप सुनते क्यों नहीं है? हाँ भाई, लाइन ठीक से चल रहा है ना? सब हमारे मुताबिक ही चल रहा है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, मैं बाद में फोन करता हूँ। कैलाश भाई, कैलाश भाई, ये भक्ति कविता है, मैं गंगा में नहाया तो मेरी धोती उतर गई। मेरा बेटा मैगी नूडल की तरह 2 मिनट में पैदा हुआ, बात भी किया, गाना भी गाया और स्कूल भी चला गया। अरे मुझे लाइन पर रहना है। क्या हुआ, सभी के फोन बिजी आ रहे हैं। टाइगर जी। अरे इतने सारे लोग आए थे, इतने ही बचे, क्या हुआ? वो हम सबको माऊ बनाकर खेल रहा है। क्या? अरे भाई वो भाग रहा है, वही टाइगर है, पकड़ो उसे। चलो उस तरफ, पीछे हट जाओ। आप सब मुर्दा घर में क्या कर रहे हैं, चले जाइए सर प्लीज। मरे हुए को डिस्टर्ब करते हो, अकल नहीं है तुम लोगों को? तुम मर गए हो क्या? तो फिर मुर्दा घर में मसाज करने आते हैं क्या? तेरी तुम मुर्दे। अरे क्या पी रहा तू? इसमें लॉजिक है, जिंदा इंसान पिए तो मरता, मरा हुआ पिए तो पैदा होता है, इसलिए
बचपन से संगीत सीखने को कहा था घर वालों ने कि उससे तुम्हारा ध्यान नहीं भटकेगा। अरे तू मरा नहीं है बे, जिंदा है। मैंने मरे की कसम, मैं मर गया। मैं सच बोलता हूँ। सबूत क्या है? सबूत मैं बताता हूँ। वो देखो मेरी दीदी रागिनी, मेरी दीदी भूतों की भूतनी, मेरी सास चुड़ैल, मेरी मौसी एक्सीडेंट, और देखो मेरे दादा पुरानी फिल्मों के जाने दुश्मन। और चाहिए तो सुनो, डैडी फूक और चाचा फूक टू, नई एडमिशन मलिका, लाइक टू मीट यू मायसेल्फ वीराना। डिस्टर्ब मत करो, मैं मर गया हूँ। थैंक यू। भूत है रे, लास्ट शांत रहे तो ही बेहतर है। अरे तू मरा कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं मरा कैसे था? याद आया, उसने बताया था। किसने? मेरे बेस्ट फ्रेंड ने। नाम? वो बहुत बड़े एनिमल का नाम है। ओ टाइगर ना? हाँ टाइगर ने। हाँ टाइगर, तुझे बताया? तू अभी मर गया है। हाँ मैं मर गया हूँ। वहाँ जाकर लेट जा। ठीक है। अबे ओ, तू उसे कब से जानता है? 24 साल ना, घंटे ना, मिनट्स। 24 मिनट्स पहले मेरा दोस्त बना है। तो ना। आ गया। एंटर द टाइगर। ये क्या हो रहा है? डिस्को लाइट में मार खाना चाहता है क्या? ए, अब तू बचकर भाग नहीं सकता, तू हम लोगों के बीच फंस गया है, सुन ले रे टाइगर। अब तू मरेगा। ए, अरे छोड़ना। मिश्रा जी, मैंने आपको नहीं पकड़ा। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे मेरा पैर नहीं हिल रहा है। क्या मिश्रा जी, इंजेक्शन लगा। किसने लगाया? ए तू जा। भाई मेरे पैर भी नहीं हिल रहे हैं। मेरे पैर भी नहीं हिल रहे, मैं भी नहीं हिल पा रहा। तुम सब चुप हो जाओ, मैं जाता हूँ। अरे मैं भी जमीन से चिपक गया हूँ। भाई आपका साइज देखकर आपको दो दो लगाया। ये तूने क्या किया है? कुछ हिलता ही नहीं है। ग्राउंड होता तो बैट बॉल की तरह खेलता। अस्पताल है ना, इसलिए सबको इंजेक्शन लगाया। सिस्टर, इन लोगों को जरा दिए गए इंजेक्शन के बारे में खुलकर बताइए। ये लोकल एनेस्थेशिया है, बेहोशी के लिए ऑपरेशन से पहले दिया जाता है। बस आप लोगों को थोड़ा ज्यादा डोज दिया है। अगले 24 घंटे तक आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते? नहीं, यही बात है। नहीं, तू इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है बे? तुझे तो इंजेक्शन लगाया भी नहीं। क्या मुझे नहीं लगाया? कहा सभी को लगा देते तो मुझे यहाँ की खबर कौन सुनाएगा? मेरे दोस्त विष्णु को कौन मारना चाहता है? मैंने कहा था ना बेटा, मैं आपकी जान बचाऊंगा। बचा लिया ना बेटा, बचा लिया।